हमारे साथ जी स्ट्रीट विनर्स की एक्सपर्ट मौजूद रहेंगी और उनसे समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर होनी चाहिए। रचना जी हमारे साथ इनफैक्ट कनेक्टेड हैं भी, लेकिन रचना जी से बातचीत करने से पहले क्विक चेक ले लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। कल हमने एक रिकवरी देखी थी लगातार गिरावट के बाद, वो रिकवरी आज सुबह भी कंटिन्यू हुई, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में एक सेल ऑफ बाजार में हावी हुआ और बाजार निचले स्तरों पर बंद हुआ। निफ्टी एक समय में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा था, आखिर में 80-90 पॉइंट्स की दबाव के साथ क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स भी 300-350 अंक लुढ़क गया। अगर आप देखेंगे मिड कैप्स को तो वहां भी 1% के आसपास का फॉल आज के सत्र में रहा। पॉकेट्स देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स काफी टूट रहे थे, एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा था। बैंक स्टॉक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों से तो हल्का हुए, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी या फिर बैंक स्टॉक्स देखेंगे दिग्गज बैंक्स तो वो हरे निशान में ही बंद हुए हैं। तो ये रहा आज के मार्केट का पूरा लेखा जोखा। एफआईएस भर भर के बिकवाली कर रहे हैं, आप सिर्फ पिछले 3 दिन के आंकड़े देख लीजिए। पहले 3500 करोड़, कल 4400 करोड़ के आसपास का फिगर था और आज के फिगर्स आप देखिए 5000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। डीआईएस ने हालांकि आज अच्छी खासी खरीदारी की है 3809 करोड़ के आसपास की, तो डीआईएस का सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन एफआईएस काफी भारी मात्रा में कैश मार्केट में बिकवाली करते हुए दिखे हैं। अब स्ट्रैटेजी इंडेक्स वाइज क्या होनी चाहिए, इस पर एक क्विक कमेंट रचना का लेते हैं और उसके बाद आप ही क्वेरीज को करेंगे शामिल। डी स्ट्रीट विनर्स की रचना वैद्य है हमारे साथ। रचना गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। पहले तो एक व्यू आपका इंडेक्स पर ही, क्या रेंज यहाँ से देख रही है? बहुत सारे इनफैक्ट आई एम श्योर आपके भी क्लाइंट्स के क्वेरीज आपको मिलती होंगी, सोशल मीडिया पे भी लोग आपको अप्रोच करते होंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, कोई 16600 की बात करता है, कोई 16800 की बात करता है। अभी चार्ट्स पर या फिर डेटा देखकर क्या सेंस बन रहा है, नीचे की तरफ कहाँ सपोर्ट दिख रहा है? जी गुड इवनिंग, और चार्ट और डेटा देखते हुए यही कहूंगी मैम कि जो बिकवाली शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों से वो एक मल्टीपल वीक्स की रेंज को तोड़ के हुई है, और यहाँ पे ऑल चांसेस के फर्दर हम डाउन साइड पे फॉलो थ्रू देख सकते हैं। और ऊपर वाली साइड पे निफ्टी में फ्यूचर्स पे पहला रेजिस्टेंस बनता है जहां से आज हम वापस आए हैं करीब करीब 17520 के आसपास, और उसके ऊपर जाए तो दूसरा रेजिस्टेंस बनता है 17700 पे। तो ये दोनों लेवल्स जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ऊपर वाली साइड पे हर्डल्स आते रहेंगे, और निफ्टी में डाउन साइड पे एक चांस है कि सपोर्ट माइनर सपोर्ट बन सके 17200 के करीब, और अगर वो भी टूट गया देन वी आर डेफिनेटली गोइंग लोअर, एंड इन दैट केस हमें 16800 का नेक्स्ट लेवल जो है वो ओपन अप होते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर व्यू। अब क्वेरीज को करते हैं शामिल। गौरव कुमार मुजफ्फरनगर से हमारे फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार, मैंने ना स्पाइसजेट के लिए थे 80102 में 100 शेयर, और उनको सर उनके जाना चाहता हूं कि स्विच करूं या होल्ड करूं? ठीक है, स्पाइसजेट शॉर्ट टर्म व्यू है और 102 की इनकी खरीदारी है, 82 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि एविएशन स्टॉक्स आज भले ही एक्शन में ना रहे हों, लेकिन अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी खुल रहा है, जो एयर ट्रैवल है वो भी प्री कोविड लेवल्स के भी ज्यादा रश देखने को मिला है। तो आज था माफ कीजिए रचना जी, करना क्या है इनको स्पाइस जेट में, होल्ड करें या कोई और स्ट्रैटेजी रखें? जी अगर ये शॉर्ट टर्म प्लेयर है और 102 की बाइंग थी तो इनको ऑलरेडी कब से निकल जाना चाहिए था। नेवरदलेस वो अगर अभी तक वेट करे हुए हैं तो अब यहाँ पे करंट ट्रेंड जो है वो अपसाइड पे इस चार्ट का तो है, और अगर ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट होता तो इसमें फर्दर अपसाइड पे फॉलो थ्रू भी आने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे एज ऑफ द इंडिविजुअल चार्ट ऑफ दिस स्टॉक इज कंसर्न। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ओवरऑल मार्केट में थोड़ी वीकनेस है, और ये वीकनेस अगर ओवरऑल मार्केट में ऐसे ही बनी रही देन चांसेस जो है वो ये बढ़ जाते हैं कि ये जो चार्ट है इंडिविजुअल काउंटर का वो शायद सक्सेसफुल रहने के चांसेस लोअर हो जाते हैं। तो इन एनी केस अगर निफ्टी में डाउनफॉल फर्दर कंटिन्यू होता है और अगर ये शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो इनको फिर बुकआउट कर लेना चाहिए, और अगर मार्केट संभल जाता है तो इन दैट केस यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस बनते हैं कि ये काउंटर दोबारा से उनकी जो बाइंग कॉस्ट है उसकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जहाँ पे अभी प्राइस है वहीं से अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट बनता है 79 भी अगर टूट गया तो यहाँ पे भी फिर मोमेंटम जो है वो नेगेटिव साइड पे इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। ओके,
इसके अलावा अगले कॉलर से बात करेंगे, दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर, दिनेश सोनी भोपाल से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, नमस्ते। IRCTC पे पूछिए क्या सवाल है आपका। 50 शेयर बाइंग किए हुए किस और आपका व्यू क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, रचना ट्रेडिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 880 की बाइंग है IRCTC, क्या करना चाहिए जी? इवन इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे एक सपोर्ट है जो 800 के नंबर पे है। अगर 800 का नंबर सस्टेन होता है तो ऑल चांसेस की यहाँ से दोबारा एक अपस्विंग की शुरुआत इसमें हो सकती है, और फिर ये जो इसके रिसेंट हाइस थे उसकी तरफ जाने के लिए पहले ऑब्वियसली 1000 एंड उसके बाद वो उसके ऊपर फर्दर जा सकता है। लेकिन 800 का लेवल इन एनी केस बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट और फॉर एनी रीजन अगर टूटता हुआ नजर आए तो फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट भी होगा तो वो दोबारा बनाया जा सकता है, आए हुए फिलहाल जो जितने भी पैसे इस पर लगे हुए हैं उसको कम करके वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो 800 के नंबर को वॉच करें। ओके, तो इस लेवल को वॉच कीजिए, 800 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और होल्ड कर लीजिए। रिव्यू करते रहिए अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम हमारे शो के जरिए या बाकी एक्सपर्ट्स के जरिए आप रखिए फिलहाल। तो अंकित है हमारे साथ, अंकित गांधी अमरेली गुजरात से। अंकित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। मैडम मैंने व्हर्लपूल इंडिया का शेयर लिया है 2000 रुपीज में, 200 शेयर शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो अभी तो आपको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, 200 रुपए का तो फायदा हो ही रहा है हर स्टॉक पर। आशा शॉर्ट टर्म का व्यू, व्हर्लपूल 203 रुपए का मुनाफा हर स्टॉक पर, और क्योंकि बाइंग इनकी 2000 रुपए की है, लेना चाहिए मुनाफा या होल्ड रखें? जी, इनको अगर ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो इनको अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर लेना चाहिए, और अब इनका एक सपोर्ट बन जाना चाहिए विच शुड बी अराउंड 2070, और 2070 का लेवल जब तक सस्टेन रहेगा तब तक इनका जो प्रॉफिट है वो फर्दर ग्रो होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर 2070 किसी भी हालत में टूटता हुआ नजर आए देन एग्जिट होनी जरूरी है इस काम चलने से, क्योंकि उसके बाद फिर नेगेटिव साइड पे मोमेंटम इंक्रीज होगा। ओके, ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं, श्याम पांडा ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्याम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैम, एक्चुअली मेरे दो सवाल था, एक का अमर राजा बैटरी को लेके जिसको मेरे पास 40 शेयर है एट विच एन एंट्री प्राइस ऑफ 726, और ये मैं नेक्स्ट कुछ फ्यू मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट 3.5% टू माई ओवरऑल पोर्टफोलियो। और दूसरा सवाल था मेरा मैम NHPC को लेके, सो NHPC जो मैम मैंने लिया है इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 3.5% ऑफ माई ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड मैंने ये 30 रुपए में लिया था, 30 रुपीज एंट्री प्राइस। सो क्या करना चाहिए? आई कैन होल्ड इट फॉर अनदर फ्यू मंथ, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए? ओके, ठीक है, रचना जी सुना आपने इनका पूरा क्वेश्चन, 30 रुपए की बाइंग NHPC में, 726 की बाइंग है आपकी अमराजा बैटरीज में, और ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं, हाँ बट कुछ महीने रख सकते हैं इन स्टॉक्स को। जी, जहां तक अमर राजा की बात है तो ये काउंटर अच्छा नहीं दिख रहा चार्ट पे, एंड अनफॉर्चुनेटली इनका जो पोजीशन है ऑलरेडी लॉस में है, बट यहाँ पे ये काउंटर जब तक 800 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में टर्न होने का चांस कम है, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस बनता है और डाउन साइड पे इसका सपोर्ट जो है वो कहीं पे आसपास नहीं है। सो विद ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, अगर मार्केट और नेगेटिव रहता है यहाँ से तो वीक स्टॉक्स जो होते हैं वो पहले मार पड़ती है उनको, तो इसलिए इसका लोअर लेवल फर्दर दिखाई दे सकता है, 590 के करीब एक सपोर्ट बनता है और उसके बाद फिर फर्दर लोअर भी जा सकता है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव सलाह देना मुश्किल है। और अगर वो फिर भी देखना चाहते हैं, होल्ड ही करना चाहते हैं, तो ऊपर वाली साइड पे जब तक 730 निकले तो पहली उम्मीद बनेगी और उसके बाद 800 के ऊपर जाएगा तो फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम बनने की उम्मीद आएगी। सो इन लेवल्स को ध्यान में रख के वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड जहां तक NHPC की बात है
ये इनके एंट्री से काफी क्लोज है, और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखा जाए तो ये चार्ट भी अच्छा है, तो यहाँ पे उम्मीद बन सकती है। सो अगर ओवरऑल मार्केट संभल जाए तो ये काउंटर फर्दर ऊपर वाली साइड पे 35-40 तक पहले जाएगा, और उसके बाद 40-35-40 निकलने के बाद फर्दर अपसाइड के लिए ओपन अप होगा ये काउंटर। डाउनसाइड पे यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 27 के करीब बनता है, तो डाउनसाइड पे 27 के नंबर को एक स्टॉप लॉस के जरिए बना के चले, और ऊपर वाली साइड पे 40 और उसके बाद फर्दर मूवमेंट की उम्मीद रखें ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट के साथ। ओके